शुक्रिया। बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, साथियों ने बार बार वही बात दोहराई है। सिर्फ एक चीज़ है कि कई बार कहा गया है कि हम लोग यहाँ एक सिर्फ एक आर्टिस्ट के बतौर नहीं आए हैं, लेकिन हम जनता का भी एक हिस्सा मान के अपने आप को आए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कलाकारों के ऊपर जो इस तरह की प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के लिमिटेशन जो लगाए जा रहे हैं, उसका सबसे गहरा प्रभाव जो है वो ये नहीं है कि हमें कहीं गाना गाने से रोका जा रहा है या फिल्म दिखाने से रोका जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर हमारे हमारी क्रिएटिविटी पे क्या होता है। हम जब वो जो वो बाउंड्रीज हैं, जो वो सीमाएं हैं, जब उन्हें हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपने मन के अंदर ले लेते हैं, वो बहुत एक खतरनाक सीमा है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम जो हमारी कम्युनिटी एज फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट, थिएटर पीपल, सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो चुनौती हुई है कि बाकी जो ये चुनौतियाँ इनको तो हम झेल लेंगे, कहीं किसी ने आपकी फिल्म रोक दी या आपको गाने से लिमिट कर दिया, लेकिन एक बार आपके सोच में जो वो लिमिटेशन है, मैं समझता हूँ कि उसको कैसे हम किस तरीके से वो हमारी जो सोच को सिमटने की जो कोशिश की जा रही है उसे हमें लड़ना है। और अच्छी बात तो ये है कि जहाँ जहाँ किसी ने उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की है, तो आप लोग सब जानते हैं कि जनता ने बहुत सपोर्टिव रही है जनता, जहाँ भी ऐसा हुआ है। तो शायद कमी हम में ही है, क्रिएटिव कम्युनिटी में है, कि हम लोग उन सीमाओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको हम उनसे उनके साथ हमारा एक एक तरीके का एक रिश्ता बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो कबीर कला केंद्र के साथ जो हो रहा है वो हम सबके लिए एक उदाहरण सा बन चुका है ऑलरेडी, और उम्मीद है कि ये बाधा भी टल जाएगी और जीत तो हमारी होगी। थैंक यू।